हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मनु सलवा और आज हम बनाने जा रहे हैं पीच का जूस यानी आड़ू का शरबत। इससे पहले मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। यहाँ मेरे पास पीच है 4 जिनको मैंने छील के अच्छी तरह से काट लिया है। आइस मेरे पास है, मेरे पास ब्लैक साल्ट है और वाइट साल्ट है यानी काला नमक और सफ़ेद नमक। शुगर मेरे पास है 1/2 कप। पीच का जूस गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे कि गर्मियां हैं और हमारे पास हैं आड़ू। मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल फ्रूट है ये, बहुत ही टेस्टी। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर में हम पीच डालते हैं। जैसा कि गर्मियां हैं तो आड़ू से अच्छा फल कोई हो ही नहीं सकता, तो आप आड़ू का शरबत ज़रूर पिएं ताकि आपकी स्किन, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। अब मैंने इसमें चीनी ऐड की है, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, काला नमक और सफ़ेद नमक। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। हम इसको इतना ब्लेंड करेंगे कि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। पीच में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है। अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करें तो आप खुद जज करेंगे कि हमारी स्किन कितनी फ्रेश। और ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखें, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें आइस डालेंगे। फ्रेंड्स, पीच का जूस तो सभी बनाते हैं और यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको बनाना भी आता होगा, लेकिन आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काले नमक के साथ तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें हम आइस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी मैं सारी आइस नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने अभी 1/2 आइस ऐड की है। मैंने एक बाउल आइस का लिया था, एक प्याली जो मैंने 1/2 जार इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से, ताकि आइस हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। फिर हम बाकी आइस इसमें बाद में मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, पीच जो है ये हमारी हेल्थ को, हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो है वो पीच बहुत ही अच्छा है। ये एलर्जी, जिनको एलर्जी है स्किन की या किसी भी टाइप की एलर्जीज हैं, ये एंटी एलर्जी भी है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नियमतें हमारे फलों में ही डाली हैं, जिनका इस्तेमाल से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पीच जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत किस्म के कैंसर हैं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उनसे हम बच सकते हैं अपने फलों का सही तरीके से इस्तेमाल करके। फ्रेंड्स, ये हमारी आइस जो है, हमारा पीच का जूस बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं हमारा जूस बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। जी, तो अब मैं इनको ग्लास में सर्व करती हूँ। उम्मीद है कि आप ज़रूर आज ही मेरी रेसिपी देखते ही आप पीच का जूस ज़रूर बनाएंगे। इसको थोड़ा सा गुड लक करने के लिए मैं मिंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मिंट भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, हमारा जूस बिल्कुल रेडी है, हमारे आड़ू का शरबत बिल्कुल तैयार है। आपके गेस्ट आएँ या जब भी आपका दिल करे ठंडा ठंडा पीने का, आप ज़रूर पिएँ। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।